नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वट सावित्री व्रत की आप सभी महिलाओं को, सुहागिनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये व्रत आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि लेकर के आए, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। अब जब हम बात करते हैं किसी भी व्रत की, ये सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि उस व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो कौन कौन सी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये व्रत आखिर है कब। 29 तारीख को, 29 मई को मनाया जाएगा ये वट सावित्री व्रत, जो कि रविवार का दिन है। और उसके बाद सोमवार को अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है। और तीसरा, साथ के साथ ही शनिदेव का हैप्पी बर्थडे भी है। तो आपने बहुत जोरों शोरों से ये हैप्पी बर्थडे, यानी एक दिन व्रत रखना है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, खुशियों के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए और अपने जीवन में खुशनुमा माहौल बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने शनिदेव का हैप्पी बर्थडे भी नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा। और शनिदेव न्याय के देवता है, बहुत सारी जिंदगी में आपकी जिंदगी के कष्ट जितने भी हैं वो सारे दूर कर देते हैं। अब जब हम वट सावित्री व्रत की बात कर रहे हैं तो ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है, महिलाओं का खास करके पसंदीदा व्रत है। ये बात अलग है कि कुछ खास एरिया में इस व्रत की महत्वता है, लेकिन जैसे आजकल एक कल्चर बन गया है कि अगर के करवा चौथ भी आती है तो पूरा देश मना रहा होता है, वट सावित्री आती है तो पूरा देश मना रहा होता है, छठ पूजा आती है तो सारा देश मनाता है, दीपावली सारा देश मनाता है, होली सारा देश मनाता है। यानी इस त्योहार को अब आप कहीं सीमा तक नहीं बांधा हुआ है, अब आपने इसको बाउंड नहीं किया हुआ है, ये हर कोई ही अब मनाने लगा है। अच्छी बात है। किसी भी त्योहार को कहते हैं जब मिलकर के मिलाते हैं, मिलकर के उस त्योहार को बनाने का प्रयास करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, निराली होती है, वो माहौल ही कुछ खुशनुमा अलग तरीके का हो जाता है। अपना त्योहार अपनों के साथ मनाने में ही आनंद आता है। अब ये बात आती है कि वट सावित्री व्रत जो महिलाएं रख रही हैं उनमें खास करके कुछ सामग्रियां आपके पास जरूर होनी चाहिए, बाकी सामग्रियां आप रखिए। बहुत सारी चीजें एडिशंस में आजकल बहुत ऐड ऑन कर देते हैं हम लोग चीजें। पहले कुछ साधारण सिंपल एक थाली सजाई जाती थी, उसमें कुछ मात्र चीजें रखी जाती, लेकिन आजकल जैसे जैसे आपके पास वेराइटी की बौछार होती है तो आपके तौर तरीके भी बदल जाते हैं, अलग तरीके की चीजें आपके पास होती हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि किसी भी त्योहार को, किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए सामग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक होती हैं, इनिशियल होती हैं, यानी वो जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप और इसमें एड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं सुहागिनों का प्रतीक माना जाता है सिंदूर। भाई हर सुहागिन के माथे पर सिंदूर जरूर होता है। अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हुआ और सिंदूर पीछे होता गया और वेस्टर्नाइज हम ज्यादा होते गए, सिंदूर पीछे कर दिया हमने। तो सिंदूर का जो महत्व है वो सुहागिनों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाल रंग का सिंदूर सर्वोपरि, यानी आपके लिए जरूरी है। जब भी आप सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, पूजा विधि विधान करेंगे तो आपने खास करके सामग्री में इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो जरूर करना है। पहली बात, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग के वस्त्र या चुनरी, ये जरूर होनी चाहिए। और लाल रंग आपको मालूम ही है कि शुभता को रिप्रेजेंट करता है। लोटा जिसमें जल भरा हो, हमेशा ज्यादातर वैसे मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल किया जाता था, अब चेंज हो गया, कोई स्टील का कर रहे हैं, कोई पीतल का करते हैं, कोई तांबे का। तांबे का लोटा सबसे अच्छा माना जाएगा। पीतल और तांबा, ये दो प्रायोरिटी आप रख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप तांबा का ही रखिए, दूसरा फिर आप पीतल का, अगर आप धातु पे चलते हैं। अगर आप मिट्टी में जा रहे हैं तो फिर तो बात ही अलग है, वो तो बहुत ही शुभता प्रदान करती है। अब तीसरी बात आती है कि कलावा। ऐसे एक एक करके हम चीजें और भी बताते जा रहे हैं जो आपने अपनी थाली में, पूजा की थाली में, सामग्री में सजाना है, वो इन चीजों का यूज जो है वो ज्यादा होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको शुभता प्रदान करेंगी और आपके इस व्रत को सफलता की ओर लेकर के जाएंगी। कलावा,
कलावा हमेशा ध्यान रखिएगा, वो लेना है, उसका इस्तेमाल करना है जिसमें लाल रंग भी हो और पीला रंग भी हो, यानी ये दोनों रंग का होना जरूरी होता है अगर आप कलावे का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आती बात की सूत, जो हमेशा वट वृक्ष पर हमारी सुहागिनें लपेटती हैं, 7 या 11 परिक्रमा में लपेटा जाता है ये, और भी बहुत सारी महत्वताएं हैं, हर जगह की एक अलग ही महत्वता बनती जा रही है, बट ज़्यादातर 7-11 में ही इसे लपेटा जाता है। और कच्चा सूत जो होता है, ये सूत धागा जो शुभता का धागा, जो आपके रिश्ते को मजबूत करने वाला धागा, तो ये धागा, ये सूत आपके पास ज़रूर होना चाहिए जब आप थाली सजा रहे हैं पूजा की, वो पूजा की थाली जिसके लिए आपने बहुत ही श्रद्धा से भाव से व्रत रखा है, तो आपने ज़रूर उसके अंदर कलावा रखना है। पकवान कई तरह के भी बनाते हैं, आप कई सारे पकवान बना सकते हैं, लेकिन मीठा पकवान एक भी अगर है तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं मानते हैं, ऊपर वाला नहीं मानता है, मान जाता है, क्योंकि वो भूखा नहीं है। वो भूखा सिर्फ किस चीज़ का है? हमारे भाव का और श्रद्धा का। आपकी चीज़ें देख करके भूखा नहीं है वो। हाँ, बेसिक चीज़ें ज़रूरी है, बाकी तो आप थाली कितनी भी भर लीजिए, वो एक अलग मैटर होता है। पकवान कई तरह के भी बना सकते हैं, 5 तरह के भी बना सकते हैं, 3 तरह के भी बना सकते हैं, 1 पकवान भी बना सकते हैं, तो मिष्ठान पकवान ज़रूर होना चाहिए। श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान। अब हम कई बार क्या करते हैं कि एक डिब्बिया खरीद लेते हैं श्रृंगार की, उसके अंदर अगर के हम ध्यान से देखते हैं तो कई बार चूड़ियां ब्रेक हुई होती है, कई बार आपकी कोई खास सिंदूर की डिब्बी होती है वो ब्रेक हो यानी टूटी हुई होती है, तो कभी भी खंडित चीजों का प्रयोग किसी पूजा में नहीं लगता है, और खास करके 16 श्रृंगार की जब बात आती है उसमें तो बिल्कुल भी खंडित कोई चीज, कोई आइटम नहीं होनी चाहिए। अगरबत्ती, धूप, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। अक्षत कहते हैं, अक्षय फल देने वाली चीजें जो होती हैं, अक्षत का इस्तेमाल जरूरी होता है इस पूजा में, और सूत का तो हमने बता ही दिया। और इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा, आप अपना भाव, और उसके अलावा कई तरह का ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, बाहर से पकी हुई मिठाई भी रख सकते हैं, रखने को तो आप हजारों चीजें रख सकते हैं, लेकिन इनिशियल बेसिक चीजें ये आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए जब आप पूजा करने जा रहे हैं, जब आप इस विधि को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ आधी अधूरी चीजें इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि आपको 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं, 16 श्रृंगार में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें बहुत सारी डलवाई होती हैं, देखी भी होती है, बट कभी भी उसको खोल करके नहीं देखते हैं। आप खोल लीजिए ना, आपने थाली में डालना है, एक अलग पैकेट में डाल करके थाली में डाल लीजिए, खोल करके आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपने कोई भी खंडित चीज़ इस पूजा में, इस विधि विधान में इस्तेमाल नहीं की है। तो आप जब मन के अंदर वहम नहीं होता तो हमारी पूजाएँ सफल होती हैं। ध्यान रखना है कि कोई मन के अंदर वहम नहीं होना चाहिए। अब 16 श्रृंगार को तो आपने पूरा अच्छी तरह से चेक करना है, ध्यान रखना है। अब आता है एक पंखा, पंखे का इस्तेमाल भी इस पूजा सामग्री के लिए किया जाता है। फूल, कई तरह के फूल आप रख सकते हैं, और उसमें भी पीले रंग के फूल का, लाल रंग के फूल का खास इस्तेमाल होता है। ये फूल आपको हमेशा उस थाली के अंदर, हमेशा क्या मतलब, उस थाली के अंदर जरूर रखने हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हमने बता दी है कि आपको किस तरीके की चीज़ें इस थाली के अंदर ज़रूर रखनी है, ताकि जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें हो। और अब आती है बात कि सुहागिनों के लिए, सिर ओढ़ करके जब पूजा की जाती है, सुहागिनें पूजा करती हैं, सूत बांधती हैं, 7 और 11 की मात्रा में बांधती हैं, तो सब जगह वैसे अलग अलग विधान है, तो बहुत सारे अलग तरीके की काउंटिंग में भी बांधते हैं, बट जनरली 7 या फिर 11 रोल उसको पूजा के किए जाते हैं। वट वृक्ष के खास करके आपने प्रणाम किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का मुख मोड़ दीजिए, और हमारे पति की दीर्घायु हो, हमारे घर में हमेशा सुख
संपन्नता बनी रहे, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। तो ये सारी चीजें आपने एक थाली के अंदर अच्छे से परोसनी है, अच्छे से डालनी है, तभी आपने पूजा विधि विधान जो है वो करना है। तो सामग्री का तो आपको पता चल गया कि आपने अपनी थाली के अंदर किस तरीके की चीजों को ऐड करना है, लेकिन ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है। वीडियो को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।